नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज प्रथम चरण चुनाव का आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। ऐसे में लालू प्रसाद यादव पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व महिला प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य साथ में उनके साथ सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रसार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। आज छपरा में जनसंपर्क करेंगे लालू प्रसाद यादव अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य के साथ। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दो बार वो चुनाव पूर्व में हार चुकी हैं, लेकिन तीसरी बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से उतरी हुई हैं। उनकी बेटी जो कि सिंगापुर में रहती है, पिता को किडनी ट्रांसप्लांट की हुई है। ऐसे में रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है, जो कि उनके विपक्ष में एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि 1994 में पहली बार सांसद बने थे राजीव प्रताप रूडी, जो कि अभी सिटिंग एमपी हैं वहां से। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य साथ में निकले हुए हैं सारण के लिए, और छपरा में वो जनसंपर्क करेंगे। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर विजुअल देख रहे होंगे कि किस तरीके से राबड़ी आवास से आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी लालू की लाडली रोहिणी आचार्य, जो कि सारण लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं, उनके समर्थन में आज लालू प्रसाद यादव पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए। आज अंतिम दिन है फर्स्ट फेज चुनाव का, आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। आज शाम से 4 जिलों में आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। तो ऐसे में जब आज अंतिम दिन है तो लालू प्रसाद यादव आज पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए। उनकी दोनों पुत्री इस बार चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी बेटी जो कि पिता को किडनी ट्रांसप्लांट की हुई थी और वो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके अगेंस्ट में राजीव प्रताप रूडी, जो कि सिटिंग एमपी हैं वहाँ से, और अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार में दोनों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो वो मंत्री रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। लेकिन लालू प्रसाद यादव और पहली बार आज 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए। राबड़ी आवास से आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं कि लालू का काफिला आज अपनी बेटी के समर्थन के लिए निकल पड़े हैं। साथ में राबड़ी देवी हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से राबड़ी देवी भी बैठी हुई हैं गाड़ी में। लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं, और जो कि सारण लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। जब मीडिया से बात करती हैं रोहिणी आचार्य, तो वो कहती हैं कि मीडिया मेरी इतनी दीवानगी है, इतनी फैंस हैं कि मेरे पीछे मीडिया वाले पड़े रहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ में इनके बोली पर भारतीय जनता पार्टी भी इनके ऊपर प्रहार किया था। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि जब मीडिया ने सवाल किया था तेजस्वी प्रसाद यादव से कि उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को लेकर, उन्हें अपने पिता को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा था कि पहले उनके बेटा बेटी से निपट लें, तभी लालू प्रसाद यादव तक पहुँचे। तेजस्वी प्रसाद यादव से पहले निपट लें ये लोग, तभी लालू प्रसाद यादव तक पहुँचे। मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में है, जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन आज लालू की लाडली है रोहिणी आचार्य, जो कि पिता को किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में उन्होंने किया था पूर्व में। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव आज अपनी बेटी के समर्थन में निकले हुए हैं चुनावी प्रसार प्रसार में। 2024 लोकसभा चुनाव आगामी है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव आज पहली बार चुनावी मैदान में निकले हैं अपने काफिला के साथ। लालू प्रसाद यादव पूर्व में किडनी ट्रांसप्लांट किया था, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दिया था सिंगापुर में। ऐसे में लालू प्रसाद यादव आज पहली बार चुनावी प्रसार प्रसार मैदान में है, अपनी बेटी के समर्थन में सारण लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में अपनी बेटी के समर्थन के लिए लालू प्रसाद यादव आज पहली बार चुनाव प्रसार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। छपरा में वो जनसंपर्क करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और अपनी बेटी के समर्थन के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन सारण से जहां चुनाव लड़ रही हैं, वहां से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और 33 बार सांसद रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी, और चौथी बार उनका ये है। क्या राजीव प्रताप रूडी को मात दे पाएगी रोहिणी आचार्य? इसी के एवज में आज लालू प्रसाद यादव आज चुनावी प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं। उनके
पत्नी यानी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य साथ में हैं, चुनावी प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में आज पहली बार लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास से निकले हुए हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, अपनी बेटी के समर्थन में वोट मांगने के लिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए एक News24 पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें, और बने रहिए एक News24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ। मैं सदन जी पटना।